स्टूडेंट्स, आई एम हर्षद विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल एडवर्स आई स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं उन लेक्चर्स में मैंने आपको नरेशन के पार्ट 9 एक्सप्लेन किए हुए हैं। और बस आप लोगों से, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रीवियस लिंक देख लीजिए। मैं आज बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, बट स्टार्ट करते हैं। और उससे साथ में बस आप यही करिए छोटा सा काम कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है देख लीजिए। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, ये मैंने बताए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ स्पेशल टिप्स भी बताए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ बिजी लोग हो आप लोग, तो टाइम तो होता नहीं होगा, तो बट इतना कर लीजिए, प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसे चेक कर लीजिएगा और प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। और प्रीवियस लेक्चर्स मैंने लेट अस वाले सेंटेंस करवाए हुए हैं, लेट अस वाले जो सेंटेंस होते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस में लेटस के अलावा और जो पार्ट होता है, जैसे एड्रेस वाले जो सेंटेंस होते हैं ये मैंने करवाए हुए हैं, एंड इसके साथ प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस है वो मैंने करवाए हुए हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंस करवाए हुए लेटर्स के साथ, लेट मी वाला भी करवाया हुआ है, ये मैंने कुछ सेंटेंस प्रीवियस लेक्चर्स में कराए हुए, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद मैंने जो लास्ट पॉइंट कराया था वो मैं बता देता हूँ। सेंटेंस लास्ट में सेंटेंस कराया हुआ, उसका आंसर आप लोगों को देना है, सी सेड टू मी कॉमन बट इट कॉमा लेट अस प्ले, सिंपल सेंटेंस ये मैंने कराया हुआ था। इस सेंटेंस का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी राइट कर लीजिए, जैसे कि मैं चेक कर लूँ, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सी सेड टू मी लेट अस प्ले, तो इसको आप तीन टाइप से बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कल प्रीवियस लेक्चर में। तो सी, एक तो सबसे सिंपल तरीका है इन्वाइटेड का यूज कर दीजिए, सी इन्वाइटेड मी टू प्ले, एक तो ये सबसे सिंपल सेंटेंस ऐसे आप बना के ऐसे बना सकते। सेकेंड जो रहता है सी प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड रहता है, मी याद होगा आपको, मैंने बताया था प्रीपोजिशन टू हमेशा लगाते हैं, दैट दे शुड प्ले, ये मैंने करवा दिया है फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहां पे इसी सेंटेंस में सेंटेंस राइट करूं, लेट्स नॉट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे ये क्लोज है, यहां पे सेड राम, कोई भी राम है वो कह रहा है, समझिए सेंटेंस यहां तक समझिए, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, सी सेड टू मी लेट अस प्ले यहां तक समझ में आ गया था, मैं प्रीवियस लेक्चर यहां तक करवा दिया था। इसके बाद अगर सेंटेंस में लेट अस नॉट आ जाए, क्या जाए, लेट अस नॉट, जिस टाइप से आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर लेट अस नॉट सेंटेंस में यस नो टाइप वाले सेंटेंस में मैंने करवाया हुआ था नो लिखा होता था, यस या नो, तो रिप्लाइड इन एफर्मेटिव और रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल देते थे फ्रेंड्स। तो सेम यहां पर हम क्या करते हैं, लेट अस नॉट के लिए दो पॉइंट होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है रूल बट समझ जरूर लीजिए आप लोग। यहां पे लेट अस नॉट हुआ है, पहले तो आप समझिए, यहां पे जब उसने मुझे खेलने के लिए बुलाया और कहा कि आओ हम लोग खेलने चले, तो यहां पे राम ने क्या किया, मना कर दिया, और ये राम कौन है, मी वाला, समझ में आ गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बट राम, बट दो केस होते हैं, राम ऑब्जेक्टेड, राम ऑब्जेक्टेड मीन्स राम ने इसका अपोज किया, मतलब राम ने इसके अपोजिट में ऑब्जेक्शन किया इस बात के लिए कि वो नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहां पे इसी का एक और ऑप्शन होता है, बट राम वॉज अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट, या फिर यहां पे आप इट यूज कर सकते हैं, सेंटेंस दोनों सही माने जाते हैं। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर यहां पर इसी सेंटेंस में लेट अस नॉट लग जाए और सेड राम, तो राम ने कहा, राम ने क्या कहा, राम का कहने का मतलब क्या है कि नहीं चलो खेलने, राम का मतलब क्या है खेल, कहना कि खेलने मत चलो, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि आओ खेलने चले, लेकिन राम ने क्या कह दिया, नहीं चले, और ये राम यहां पर
आई का काम कर रहे हैं, जनरल केस में कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे समझिए, राम ने पहले प्रपोजल लिया मुझे कि हमें खेलना चाहिए, उन लोगों को खेलने जाने दे। क्यों लगाया? सी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर बी आता है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया है तो यहाँ पर क्या आता है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो यहाँ पर बी आता है, थर्ड पर्सन तो यहाँ पर दे हम यूज करते हैं अस को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अपोजिट में बात करना, किसी भी चीज के अपोजिट में बात करना। तो यहाँ पर क्या होगा, राम ऑब्जेक्टेड इट, राम वॉज अगेंस्ट इट, राम इसके अपोजिट में था। तो ये पॉइंट आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे तुरंत बता दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट आई थिंक लेट अस नॉट का सभी को समझ में आ गया। अब एक आता है, लेट के बाद देयर बी यूज होता है। लेट फ्रेंड्स कोई भी रूल आप लोगों का छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। लेट देयर बी जो ये केस शो करता है, ये जनरल केसेस में एडवाइस शो करता है। क्या शो करता है? एडवाइस। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए फ्रेंड्स। सेंटेंस मैंने कहा, सपोज मैं सेंटेंस लाइट कर देता हूं, सी सेड टू हर फ्रेंड, इसको समझिए। उसने अपनी दोस्त से कहा, उसने क्या किया, अपनी दोस्त से कहा, लेट देयर बी नो डिस्कशन समझिए। उसने अपनी दोस्त से कहा कि अब कोई भी डिस्कशन नहीं होने दो। देयर बी, लेट देयर बी नो डिस्कशन, मतलब कोई भी डिस्कशन ना होने दो। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? ये सेंटेंस है। एक बार आप लोग कमेंट ले लेता हूं, कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है, फास्ट आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज बताइए, या फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ये बताइए। हिंदी में बता देता हूँ उसका जो मतलब है, उसने अपनी दोस्त से कहा कि इस कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, किस कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर वो सब लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसने क्या किया, हाँ यहाँ पे हर फ्रेंड्स ले लेता हूँ, हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा कि अब कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आंसर आप लोग राइट करिए फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके, जैसे मैंने कमेंट चेक किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसके आंसर्स भी दे रहे हैं, बट इसका आंसर मैं बता देता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को। इसका आंसर समझिए क्या होगा, इसको हम जब नरेशन में चेंज करेंगे। तो यहां पे दो चीज समझिए, ये क्या इसका मतलब क्या है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्या डिस्कशन नहीं होना चाहिए, आंसर यहां पर हम इसका क्या राइट करेंगे फ्रेंड्स, इसका यहां पर जो हम आंसर राइट करेंगे, देखिए अब अगर आप अपने दोस्तों से कह रहे हो, सिंपल आप याद रखिए, ये रिक्वेस्ट करी जाती है, क्या करी जाती है, रिक्वेस्ट मानी जाती है, क्या मानी जाती है, रिक्वेस्ट मानी जाती है। तो यहां पर सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स, आप यहां पे अगर एडवाइस यूज कर रहे हो कर सकते हो, बट अगर देयर बी यूज हुआ तो यहां पे रिक्वेस्टेड लगाते हैं, इसको बात ध्यान रखिए। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा जगह पे कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स दैट, उसने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की और कहा कि, यहां पे जो सेंटेंस है इसे हम जैसे वहां पे अस आता था तो हम इसे सब्जेक्ट बनाते थे, तो यहां पे देयर, लेट देयर शुड बी क्या यूज करेंगे, देयर शुड बी नो डिस्कशन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, समझ में आया फ्रेंड्स या नहीं आया कमेंट करके बताइए कि वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं है, नया कंटेंट है या नहीं है, कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पर ही डिपेंड रहता हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको और एक तरीके से बताऊंगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे समझाने के, तो कोशिश करिए अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट जरूर करिए आप लोग। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको, इसका एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं उसका आप लोग राइट करिए, यू सैड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट
देयर बी नो टॉक अबाउट हर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट करिए, फास्ट आप राइट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसको मैं रेस कर लेता हूं तब तक, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ऐसे टाइम पर वीडियो पॉज कर ली, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। लीजिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए और यहां पे इसको आप देख लीजिए। फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए फास्ट। मैं थोड़ा सा वेट कर देता हूं 10 सेकंड का, फास्ट कमेंट करिए इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आप रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो, तो सिंपल है, यू रिक्वेस्टेड हिम दैट, ये क्यों समझ लो। अगर आप किसी से थोड़ा सा एडवाइस भी देना चाहते, एडवाइस भी कर सकते, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। रिक्वेस्टेड ये क्या कर सकते हो, एडवाइस भी कर सकते हो। यू एडवाइज्ड हिम दैट देयर should be no talk, जैसे ही प्रीवियस सेंटेंस था अबाउट हर, सिंपल सेंटेंस है इस टाइप के सेंटेंस में। बट याद रखिए रिक्वेस्ट और एडवाइस जी करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स या नहीं आई, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, केसेस आप राइट लीजिए अगर आप चाहें तो, बट कॉमन इनको सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया करिए। फ्रेंड्स समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। ये हो गए फ्रेंड्स आपके लेट वाले, लेट वाला एक रूल और होता है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर लेट के बाद किसी सेंटेंस में डायरेक्टली सब्जेक्ट दिया जाए, क्या दिया जाए फ्रेंड्स, डायरेक्टली सब्जेक्ट दिया जाए। अब जैसे लेट के बाद अगर कहीं पर नोबन दिया, क्या दिया, नोबन दिया, या फिर कोई भी नाउन आ जाए, मीन्स उसको सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कैसे यूज करते वो समझिए। क्वेश्चन में राइट कर देता हूं, द ऑफिसर said to his clerks, common inverted comma, let no one come late, let no one come late। तो कॉमन चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि लेट के बाद कोई नाउन आ जाए, नो वन दिया जाए तो कैसे। अब यहां पर लेट नो वन दिया, तो सिंपल एक चीज है, ऑफिसर अगर कहेगा तो लेट नो वन दिया, क्या दिया, लेट नो वन, मतलब कोई भी अब लेट नहीं आ, किसी को भी लेट आने मत दो, किसी को भी लेट मत आने दो, या कोई भी लेट नहीं आएगा। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट, वही सेम सेंटेंस है, देयर लेट नो वन, सॉरी लेट नो वन शुड, सिंपल है जो पहले था वही है इसमें, कम लेट। ये फ्रेंड समझ में आया या नहीं है ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे अच्छे समझ में नहीं आया, ये पॉइंट होता है आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा टिपिकल केस था, सिंपल आप इतना समझिए, यहाँ पे लेट के बाद अगर देयर भी आ रहा है तो वहां पे रिक्वेस्ट और एडवाइस लगाइए, और यहाँ पे लेट के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है डायरेक्टली तो वहां पे ऑर्डर लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दी। समझ में आया फ्रेंड्स, अगर किसी भी कभी कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करके बताइए सर, फ्रेंड्स जरूर कमेंट करिए, क्योंकि चीजें मैं क्लियर कट बता पाऊंगा उस केस में आपको। अब ये तो आपके फ्रेंड्स हो गए लेट के वाले सेंटेंस, दूसरे केस में कह सकते हैं इंपेरेटिव, कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस हो कह सकते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक या दो दिन में चांसेस हैं मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाने वाला हूं, मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं, क्योंकि उस क्लास में इसके बाद मैक्सिमम आपके इंपेरेटिव हो गए, इसके बाद आपका जो बचा हुआ है पॉइंट्स, एक ऑप्टेटिव बचा हुआ है फ्रेंड्स, और इसके बाद बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी। इस चीज को समझिए, इन दोनों सेंटेंस को मैं आपको या तो एक साथ करा दूंगा या फिर अलग अलग करा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा ऑप्टेटिव का ओवरव्यू बता देता हूं फ्रेंड्स। पहले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस समझिए होते क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में चीजें दो दी जाती है, समझिए। जैसे मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस बताइए कौन सा है,
इन दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझिए कि कौन सा सेंटेंस कौन सा, ये आप पहचान लेंगे तो फ्रेंड्स आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। याद रखिए अगर किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि रीजन समझिए कुछ बुक्स में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को एक साथ रखा गया है, कुछ बुक्स में इंपरेटिव और ऑप्टेटिव को एक साथ रखा गया, तो चीजें थोड़ी सी कोरिलेट करती हैं। तो आप सिंपल बस इतना समझिए कुछ केसेस में इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, कुछ में नहीं लगता है। दूसरा केस समझिए, यहां पर अगर किसी सेंटेंस में किसी के लिए विश हो, क्या हो, विश, एक अच्छी इच्छा हो, डिजायर हो किसी के लिए, या फिर किसी के लिए हम कर्ज कर शराब दे रहे हैं, तो ये कॉमन तीन चीजें यूज की जाती हैं। किसी के लिए हमारी विश, हम विश कर रहे हैं, किसी के लिए हमारी इच्छाएं हैं कि हाँ उसका ये काम हो जाए, किसी को हम शराब दे रहे हैं, हाँ वो बर्बाद हो जाए, कैसा करोगे तुम लोग, हाँ तुम लोग हो मान कुछ नहीं पता, आप लोग क्या कर दो, किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कोई शराब देगा, तो बस ये सेंस है। इस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं वो आपके ऑप्टेटिव में आते हैं। नहीं सिंपल ये विश और डिजायर, विश किसी के लिए विश कर रहे हैं, किसी को कर शराब दे रहे हैं, डिजायर किसी के अंदर की इच्छाएं। तो ये चीज समझिए, ये जो सेंटेंसेस होते हैं अगर सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है, किससे, मे से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो सेंटेंस कौन सा होगा फ्रेंड, इंटरोगेटिव। आपका भी यही जवाब हुआ आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर इंटरोगेटिव लगा हुआ है। सेकंड समझिए, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, या फिर तुम लंबी उम्र जियो, तुम लंबी उम्र जियो, उम्र जियो, या फिर तुम्हारी लाइफ ज्यादा हो। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है फ्रेंड्स, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, चीजें वही हैं, बस सेंटेंस को यूज करने का डिफरेंट है बस। तो इसको मैं यहां पे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव है कौन सा ये है। सेकंड, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट, अवर प्रेसिडेंट अगर ये दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए सेंटेंस में लॉन्ग लिव नहीं, सॉरी मे नहीं दिया है, बट फिर भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसको एक्सक्लेमेटरी कह देंगे, बट ये सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है। समझिए, लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या, हमारी विश है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उसकी उम्र कैसी हो, लंबी हो। तो यहां पर जो मे है ये वो हिडन है, क्या हिडन है, जिस टाइप से इंपरेटिव में यू हिडन रहता है, इंपरेटिव में क्या हिडन रहता था फ्रेंड्स, यू हिडन रहता था, और यहां पर मे हिडन है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है, इस चीज को बस आपको इतना याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, और इसके साथ साथ कल मैं आप लोगों का जो टॉपिक है ये मैं क्लियर करा दूंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा, और चार कोशिश करूंगा कल और परसों जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, नेक्स्ट दो या तीन टॉपिक में मैं आपके एक्सक्लेमेटरी कंप्लीट करा दूंगा और ऑप्टेटिव भी कंप्लीट करा दूंगा, आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो लेक्चर रहेगा, सिर्फ दो या तीन वीडियो के बाद जो लेक्चर रहेगा, इतना धस कह सकते हो, इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंफॉर्मेशनल लेक्चर होगा, उसमें मैं पूरे डायट एंड डाइट, कंप्लीट डायट एंड डाइट की जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो लोग बताते ही नहीं है, इनडायरेक्ट के पूरे इंपॉर्टेंट रूल्स जितने भी होंगे वो सारे मैं सिर्फ दो दिन के लेक्चर के बाद मैं कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, तो मैं चीजों को इंप्रूव कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यहाँ पर देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस लोगो पर क्लिक करके, और यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, प्लेलिस्ट पे चेक करके क्लिक कर लीजिए और प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।